नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम हैं नागौर जिला में और नागौर में आए हैं तो हमारी मुलाकात हो रही है एक बहुत ही खास मेहमान नारायण जी बेनीवाल, जो खींवसर के वर्तमान विधायक हैं, हमारे साथ हैं आज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें अपने इतने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय दिया इंटरव्यू के लिए। मैं सबसे पहले एक बहुत ही सामान्य सा सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ कि आप दर्शकों को आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपका जन्म, आपका रहन सहन और आपकी शिक्षा के बारे में आप बताएं। मेरा जन्म स्थान यही नागौर, जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है बरण गांव। अच्छा, वहाँ हमारा पितृक परिवार, हमारा वहीं अभी रहते हैं माता जी वगैरह जी। मेरे पिताजी सबसे पहले जो मुंडवा की विधानसभा जब सबसे पहले 77 में बनी जी, तब उसके प्रथम विधायक बने। अच्छा, लंबे समय तक पंचायत राज के अंदर वो सरपंच पद पर रहे और उनका कोऑपरेटिव सहकारिता के सिस्टम में उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। मार्केटिंग की जितनी भी संस्थाएं थी, कोऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, इनमें अक्सर वो भाग लेते थे। संचालक मंडल और अध्यक्ष के पदों पर भी हो रहे। 8वीं तक की मेरी शिक्षा जो है बरणगांव के राजकीय स्कूल में हुई। उसके बाद जयपुर में महावीर दिगंबर जैन स्कूल से मैंने 10th और 11th किया। फिर 12th मैंने मैसूरी स्कूल से की और उसके बाद हायर एजुकेशन में महाराजा कॉलेज से मैंने BSc की डिग्री ली और उसके बाद आर्य पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की। अच्छा जी, जैसे कि हमें जानकारी है कि आपका पूरा परिवार जो है राजनीति से जुड़ा हुआ, आपके पिताजी भी विधायक रहे, आपके बड़े भाई भी और वर्तमान आप विधायक हैं, और अभी मेरे सुनने में आया कि आपकी जो सिस्टर हैं वो भी सरपंच हैं, तो आप अपने पूरे परिवार की राजनीति को बाकी जो राजनीति है उससे कैसे अलग देखते हैं? देखिए, अक्सर लोग राजनीति को एक ऐशगाह समझ के और इसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारा परिवार जो है वो सेवा का जज्बा लिए राजनीति में आया है और हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को न्याय कैसे मिले। और अक्सर ये देखने में ये आता है कि जो नीति निर्धारक जो हैं वहाँ तक किसान के बेटे पहुँच नहीं पाते। हमारा ये प्रयास है कि जहाँ से देश की नीतियाँ बढ़ती है वहाँ पे किसानों के बेटे जाके और समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्तियों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरे, इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस है। जी बिल्कुल। एक जैसे आप के हनुमान जी बेनीवाल जो है खींवसर से विधायक रहे, लेकिन पूरे राजस्थान में उन्होंने एक अपनी अलग छवि बनाई किसान हुकार रैलियों से, जो आपने करीब 4 या 5 हुकार रैलियाँ करी, आपने सीकर में करी, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, तो उन रैलियों के में जो एजेंडे थे उन एजेंडों की आज क्या स्थिति है, मतलब आप उनको कहाँ तक आप सफल कर पाए? देखिए, किसान की संपूर्ण कर्ज माफी का एजेंडा सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल लेके आए जी, और उसका नतीजा ये निकला कि न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश के अंदर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को ये मजबूर कर दिया कि किसान का के उत्थान के बिना देश की राजनीति चलाना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने कर्ज माफी को लेकर अपना साहित्य भी, अपने जो घोषणा पत्र उनमें भी लाए और 2 लाख तक का कर्ज माफी यहाँ जो सरकार ने यहाँ घोषणा भी की, पर पंजाब, मध्य प्रदेश और कई जगह ऐसे कर्ज माफी को लेकर मूवमेंट भी हुए। अच्छा, ये सब हनुमान जी की देन है। इसके अलावा सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा था टोल मुक्त राजस्थान का जी। उसमें उस टाइम हम काफ़ी सफल भी हुए थे, लेकिन अभी कांग्रेस सरकार ने एक सरकारी जो सिस्टम जो है उसमें पैसे की कमी बता के उन्होंने वापस टोल की लगा दिया, फिर से लगा दिया वापस, तो इसको लेके भी हम वापस संघर्ष करेंगे। हमारा एजेंडा मुख्य रूप से ये और बेरोजगारी भत्ता जी, इसका आज तक की सरकारों ने कभी जिक्र नहीं किया, वो हमारी हुंकार रैलियों की देन है कि 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता जो है वो सरकार ने अपना घोषणा पत्र में किया और उसको लागू करने का प्रयास भी कर रही है। तो जैसे हुंकार रैलियां थी चुनावों से पहले हमने देखी, तो ये क्या चुनावों तक ही अपने को करनी थी या इससे इसका कोई अगला चरण भी होगा? देखिए, अभी हमारे सुप्रीमो जो हनुमान जी हैं जी, उन्होंने घोषणा की है कि शीघ्र ही जोधपुर के अंदर बड़ी रैली का हम आयोजन करेंगे। अच्छा, क्योंकि प्रदेश के मुखिया जो हैं वो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, तो अच्छा, सबसे पहले एक मैसेज उनके क्षेत्र से जाना चाहिए कि लोग जो है सत्ता को लेके और कितना लोगों में रोष है। अच्छा, इसलिए जल्दी उन वो घोषणा करेंगे अति शीघ्र, क्योंकि अभी लोकसभा का सेशन भी चल रहा है, उधर भी वो व्यस्त है। 1-2-4 दिन में ही बड़ी रैली की घोषणा जोधपुर के लिए की जाएगी। बिल्कुल। अभी जैसे पंचायती राज के चुनाव भी चल रहे हैं, तो आप जैसे गांव में जाते भी होंगे, सरपंच के चुनाव हैं, तो उसमें लोग जो वर्तमान सरकार है
उससे कितना संतुष्ट है और इसमें रालोपा की क्या भूमिका है? देखिए, संतुष्ट कहीं नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए ना, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि फॉर्म भर दिए लॉटरियां निकल रही है, कई जगह फॉर्म भर दिए निर्विरोध हो गए, उसके बावजूद रोक लग गई, कोर्ट कचहरियों में चल रही है, कहीं छोटे कोर्टों में चल रहा है, कई कोई लोग उच्च न्यायालय में चले गए, कोई सरकार उच्चतम न्यायालय में चले गई, मतलब ऐसा जो एक मजाक है जो कानून की, वो हमने हमारी 45 साल की उम्र में कभी नहीं देखा। अच्छा, इसमें सरकार यदि गंभीर है तो बहुत बड़े जो नीति निर्धारक जो आईएएस और आरएएस जो देश को चला रहे हैं, मैं तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस मामले के अंदर कम से कम 2-4 आईएएस और 5-10 आरएएस अफसरों को जो ये चुनाव का काम डील करते हैं ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, ताकि देश के अंदर मैसेज आए एक जो सिस्टम जो चला रहे हैं वो लोग कितने उदासीन हैं, और लोगों की बड़ी जो कमाई है, जो लोगों का जो धन है जनता का, उसका अपव्यय ये लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए ठोस कार्य योजना सरकार को बनानी चाहिए, क्योंकि लोगों में पंचायत राज चुनाव को लेकर सरकार के प्रति भारी रोष है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे खीम सर पहले हनुमान जी विधायक रहे, अब आप विधायक हैं, जब हनुमान जी आप विधायक नहीं थे तब के और आज के दौर में, आज के खीम सर में क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क तो मैं अपने मुँह से कहूँ तो सारा ठीक नहीं लगता जी, क्योंकि अब आप लोग एक बार धरातल पर जाके देखिए, और आजकल तो इस देश में कुछ आप क्या बोल रहे हो उसमें सच्चाई कितनी, ये सब चीज़, क्योंकि आप गूगल मैप जो है उसमें आप देख लीजिए कि आज से 11 साल पहले खीम सर की क्या हालात है, रोड का नेटवर्क, शिक्षा का स्तर, और सबसे बड़ी बात है किसानों के जो कृषि कनेक्शन जो थे उनको लेकर हमने बड़ा लंबा संघर्ष भी किया, आज पूरा सिंचित क्षेत्र है और लोगों ने काफ़ी खूब अच्छी तरक्की भी की है शिक्षा के क्षेत्र में और कृषि के जो सिंचाई के क्षेत्र में, और जो रोड का नेटवर्क वगैरह जो है चिकित्सा की, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि सरकारें जो है वो हमेशा विपक्ष का विधायक भी अच्छा काम करता है उसको आगे नहीं बढ़ने देते। बिल्कुल, बाकी आप क्यों सर की सीएससी हो, आप देख लीजिए नागौर जिले में सबसे मॉडल सीएससी क्यों सर की मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा मैं चूंकि सहकारिता के तंत्र से आया हूँ, मार्केटिंग की मैंने खुद ने वहाँ स्थापना की, और आज 7 साल के अंदर जो किसानों की जो सेवा कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का मामला हो या कृषि आदानों का मामला हो, इसमें हमारे लोग हमसे बहुत संतुष्ट हैं, और निश्चित रूप से हम क्यों सर विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करें। बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि हनुमान जी विधायक थे और उसके बाद में उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसकी तरफ एक झुकाव सामान्यतया देखा जाता है, तो आप जब उसमें विधायक के उम्मीदवार के रूप में आए तो आपको वहाँ पे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, कैसे मतलब आप चुनाव निकाला आपने? देखिए, यदि सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होता तो निश्चित रूप से हमारी जीत 30-35 हज़ार से ज़्यादा वोटों से होती है। अच्छा, ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि 15,000 जवान पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान 15,000 लगा के, और सरकार ने हर व्यक्ति को डरा धमका के और जातिगत इतनी द्वेषता फैला के और पूरे प्रयास किए कि यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीतना चाहिए। अच्छा, और लोगों को तरह तरह के प्रलोभन भी दिए, सरकारी कर्मचारियों को उनके तबादलों को लेके, उनकी अच्छी पोस्टिंग को लेकर लोगों को डरा धमका के, बेला फुसला के, और खूब ऐसे प्रयास भी किए, लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूँ क्यों सर की 36 कौम की जनता को कि उन्होंने मुझे जनसेवक के रूप में चुना, चूँकि हम दोनों भाई रात और दिन जनता की सेवा करें और उसी का प्रतिफल है कि हमारे परिवार को उन्होंने फिर से विश्वास व्यक्त किया। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, विधायक के तौर पे काम करना कैसा है? देखिए, ये कांटों भरा ताज है हमारे लिए। अच्छा। क्योंकि हमारे परिवार और हमारे खून के अंदर एक सेवा का जज्बा है, और निश्चित रूप से जब सेवा का जज्बा लेकर आप विधायक या सांसद कोई भी बनते हो, मैंने हनुमान जी को देखा है, वो 5 दिन जब लोकसभा चलती है तब दिल्ली रहते हैं, और वहाँ से लोकसभा का समय खत्म होते ही शुक्रवार की रात को रेल में बैठ के यहाँ आते हैं, फिर सैटरडे को सुबह यहाँ जन सुनवाई का रखे, और संडे की रात को वापस दिल्ली जाते हैं। इसका मतलब ये कोई हम कोई आराम के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, और ये कांटों भरा ताज है, लेकिन जनता ने चूंकि हमारे परिवार पर विश्वास भी किया और हमें बहुत स्नेह भी दिया है, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम जनता की सेवा रात और दिन करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ खीम सर से विधायक नारायण जी बेनीवाल, जिनके साथ हमने कुछ बातें करी। इस तरह से और भी बातें हम आपके साथ करते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सीकर संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।